नमस्कार। आज हम बनाएंगे शाही गोभी कोफ्ता करी। ये बहुत ही रिच एंड टेस्टी सब्जी है। इसे आप किसी भी त्यौहार पर या किसी मेहमान के आने पर या फिर आपको बहुत टेस्टी सब्जी खानी है तब बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। आधी किलो के फूल गोभी को फ्लोरेट कर लिया है और ये जो गोभी है वो 250 ग्राम है। इन्हें हम ग्रेट करेंगे, तो ग्रेटर बारीक वाला चाहिए इसके लिए। देखिए इतना बारीक ग्रेट करना है। आप इसे मिक्सर में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं और थोड़े छोटे टुकड़े बना लें और दरदरा ग्राइंड कर लें। फ्लोरेट किए हुए गोभी को नमक मिले गर्म पानी में 10 मिनट के लिए रख दीजिए और फिर वॉश कर लीजिए। इससे फूल गोभी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये ग्रेट हो गया और ये फूल गोभी में वाटर तो बिल्कुल है नहीं, हल्का सा मॉइस्चर है, तो हमें इतना तो चाहिए। अगर आप इसे भी निचोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसका न्यूट्रिशन और इसका टेस्ट दोनों कम हो जाएंगे। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए और 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक और ये लिया है 1/2 कप बेसन। थोड़ा सा बेसन बचा लिया, जरूरत पड़ेगी बाद में डाल लेंगे। इन्हें अच्छे तरीके से मिलाते हैं। इसमें बाइंडर के रूप में आप मैदा डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। ये सारा ही बेसन डाल देते हैं। अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई, अब इसके कोफ्ते बनाते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सर ले निकाल लेंगे और बस गोल कर लेंगे। कोफ्ते थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे, जैसे आप चाहे बना सकते हैं। देखिए बस इस तरीके से बाइंड करना है, गोल करना है। तो सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं। इन्हें तलने के लिए तेल हमने पहले से गर्म करने रख दिया था, तो इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डो हम तेल में डालते हैं। इसमें बबल आ रहे हैं, ये गर्म है और कोफ्ते तलने के लिए तेल मीडियम हाई गर्म होना चाहिए, फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। ये डाल देते हैं तलने के लिए और इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही तलने देते हैं। और नीचे की ओर से हल्के से सिक गए हैं तो इन्हें पलटते हैं और चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखनी है। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें इस तरीके से घुमाते रहेंगे ताकि ये चारों ओर अच्छे ब्राउन हो जाए। और देखिए ये चारों ओर से एकदम सुनहरे सिक्कर तैयार हो गए। और बचे हुए कोफ्ते भी इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। और देखिए कितने अच्छे कोफ्ते बने हैं, कोई भी कोफ्ता फटा नहीं है। अगर ये तलते समय फटते हैं इट मीन्स बाइंडर की कमी है, जो बेसन आपने डाला है वो बहुत कम है। तो थोड़ा सा बेसन और मिला लीजिए मिक्स में, बिल्कुल भी कोफ्ते नहीं फटेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। कोफ्ते तलकर तैयार हो गए, अब सब्जी के लिए ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी के लिए हमने ये कढ़ाई ले ली और इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। गरम तेल में डालेंगे हम थोड़े से साबुत मसाले, ये तेज पत्ता, ये 1 सिनेमन का टुकड़ा और 4 लौंग, 10-12 काली मिर्च और ये बड़ी इलायची, इसको हम छील कर डालेंगे। इसके दाने हैं, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और 1/2 छोटी चम्मच जीरा। मसालों को हल्का सा भून लेते हैं और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसको भी क्रश करके इसी समय डाल देते हैं। ये तेल में भून जाती है तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये 2 टमाटर, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और 20 काजू। इन्हें हमने एकदम बारीक पीस कर ले लिया है। इन्हें मिक्स करते हुए भूनते हैं और अब इसमें थोड़े से और मसाले डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखी नहीं होती है तो सब्जी हमारी तीखी भी नहीं बनती। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे भूनने जब तक ये अच्छा सा थिक नहीं हो जाता, इससे ऑयल अलग नहीं होने लगता, तब तक इसे भूनेंगे। अब मसाले से ऑयल अलग हो गया है, काफ़ी थिक हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप क्रीम, आप इसकी जगह मलाई भी ले सकते हैं। और इसे लगातार मिलाते हुए भूनेंगे जब तक कि फिर से मसाले में उबाल नहीं आ जाता। मसाले में उबाल आ गया फिर से, थोड़ी थोड़ी देर में जैसे पहले भून रहे थे उसी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। और फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है
और जब तक भूनना है तब तक कि ये फिर से ऑयल रिलीज नहीं करने लगता। और अब देखिए मसाले को, तेल एकदम अच्छे से रिलीज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, भुन चुका है। और अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। आप इसमें अपने पसंद के अनुसार 1 से 1.5-2 कप पानी डाल सकते हैं। ग्रेवी को आप पतला या गाढ़ा जैसा आप चाहें वैसा रख सकते हैं। और ये 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक है या स्वाद अनुसार ले लीजिए। और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, क्योंकि हमने इसमें साबुत गरम मसाला भी डाला है तो थोड़ा सा ही गरम मसाला डालेंगे। और ये घर का बना है तो थोड़ा सा तीखा भी है। थोड़ा सा हरा धनिया, इसे 2 मिनट ढककर कुक होने देते हैं। ग्रेवी में अच्छा उबाल आ रहा है, इसमें डाल देते हैं कोफ्ते और इन्हें धीमी फ्लेम पर 2-3 मिनट कुक होने देते हैं। सब्जी एकदम तैयार है और गार्निश के लिए इस पर डालते हैं थोड़ी सी क्रीम, थोड़ा सा हरा धनिया। शाही गोभी कोफ्ता करी सर्व करने के लिए तैयार है। कोफ्ते नरम मुलायम बने हैं और ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सब्जी को आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, सभी को पसंद आएगी। और इतनी सब्जी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है और इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।